हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोहतक की अनाज मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अनाज मंडियों में एक तिहाई गेहूं आ चुका है, 80% गेहूं की लिफ्टिंग भी हो चुकी है, यानी कि उठान भी हो चुका है। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को पेमेंट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सोमवार तक यानी कि परसों तक किसानों के अकाउंट में जो उनके हक का पैसा है वो आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए ये भी दावा किया कि मंडियों में किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। FCI से एक समस्या आ रही थी क्योंकि FCI साइलोज पे इस बार डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर रही है, उसके वर्किंग आवर्स की समस्या हमारे पास आई है। वहाँ पर अब एडिशनल मैन पावर हम डिप्लॉय करेंगे जिससे वर्किंग आवर्स बढ़ाए जाएंगे और FCI के साइलोज में प्रोक्योरमेंट समय अनुसार लिफ्टिंग के अंदर कई जगह जहां रैक्स लग रहे हैं और डायरेक्टली दूसरी स्टेट्स के अंदर माल भेजा जा रहा है, वहां अगर रैक्स आने में देरी हो रही है तो अल्टरनेट गोडाउन में FCI के हम स्टोरेज कराएंगे। कई जगह फार्मर्स और मंडी एसोसिएशन की मांग रहती है मल्टी एजेंसी, वहां पर समय अनुसार सरकार चेंजेस कर रही है। अब जहाँ साइलोज है वहाँ क्योंकि साइलोज में डायरेक्ट अनलोडिंग समय लगता है, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के लिए मार्केटिंग बोर्ड पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में किसानों को दिक्कत खत्म हो जाए? मैं तो नहीं मानता, अगर हम 1/3 प्रोक्योरमेंट पीसफुली कर पाए तो 2/3 जो और हमारे पास आनी है उसको भी हम दुरुस्ती सट कर। जो हम देखते हैं खुले गोदामों में अनाज सड़ जाता वो नहीं सड़ता, लाइफ अनाज की दशकों तक बढ़ जाती है और जब जहां रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली ट्रेन पे इनपुट करके उसको शिफ्ट कर दिया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चरखी दादरी की बाढ़ा अनाज मंडी का निरीक्षण किया। जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के अनाज मंडियों में गेहूं खरीद को लेकर किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेगी। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद जेपी दलाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। वहीं जेपी दलाल ने क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं पर यह बयान दिया कि SIT गठित करके जल्द ही चोरों को पकड़ा जाएगा। खरीद जो चल रही है उसकी व्यवस्थाएं देखनी थी, गेहूं की सरसों की खरीद यहाँ ठीक ठाक चल रही है कि नहीं है, और किसी भी तरह की कटौती किसान से कोई आदमी नहीं करेगा, दाना चाहे कम चमक वाला हो या 6% की बजाय 18% तक उसमें टूटत भी हो, इसका जो पैसा है हरियाणा सरकार अपने ऊपर भुगतेगी, किसान से कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। एक नई व्यवस्था चलती है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो आती है, लेकिन ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसान के हित में है। हरियाणा सरकार का जो खजाना है हरियाणा के किसानों के लिए, हम किसान भाइयों से बार बार प्रार्थना करते हैं कि भी अपनी फसल को आप चढ़वा दें, चाहे बीमा होना हो, चाहे मुआवजा मिलना हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री के जो पैसा मिलना हो, जितनी भी नीतियां हैं वो उसी के माध्यम से होती है। किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि ये एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि अपने खेत के अंदर जो भी फसल वो बोते हैं उसका बोते ही अपना चढ़ा दें, और बीमा वाले को बीमा भी उसी के माध्यम से मिलता है। सिरसा में आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने अनाज मंडी का दौरा किया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में अशोक तंवर ने यह कहा कि मंडी में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने किसानों और आढ़तियों को राहत देने की मांग सरकार से की। वहीं कांग्रेस और इनेलो के गठबंधन की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि ये तो सब शगुफा है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता ही नहीं कि दूर दूर तक इस तरह के गठबंधन की कोई संभावना है। व्यवस्था तो जब पीने का पानी ही नहीं है ना, यहाँ मंडियों में पानी है ना, कॉलोनियों में पानी है ना, गाँव में पानी है, और खरीद तो ना समय पर हो रही है ना उचित भाव पर हो रही है। जो MSP है जो सरकार ने खुद डिक्लेयर कर रखा है, जब बारदाना ही नहीं होगा उठान कैसे यहाँ पर संभव होगा। तो सारी मंडियों में हमारे साथी जा रहे हैं हर मंडी में, और जहाँ जिस तरह की समस्या है उसके अनुसार वहाँ हमने पीछे ज्ञापन भी सौंपे हैं, और आने वाले समय में सब लोग मिलकर के और मजबूती से किसान मजदूर की आवाज़ उठाएंगे। वैसे तो दोनों खुद ही बता सकते हैं, सक्षम है बताने में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक इस तरह की कोई संभावना है।
ये कई बार मार्केट में अपना सेंसेक्स उठाने के लिए इस तरह के सगुफे छोड़े जाते हैं, तो दिल बहलाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है। ठीक है, दोनों को कुछ ना कुछ इसमें लगता होगा, बाकी तो अंदर की बात है। हरियाणा की मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद प्रक्रिया लगातार जारी है। बात अगर सिरसा की जाए तो जिला प्रशासन अनाज मंडियों में तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा कर रहा है, लेकिन जी मीडिया ने जब सिरसा की अनाज मंडी का जायजा लिया तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। आवारा पशु जहां सरेआम गेहूं की फसल खाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं किसानों को सुरक्षा का भी डर सता रहा है। मूलभूत सुविधाएं न होने पर मजदूर को परेशानी उठानी पड़ रही है। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से हरियाणा के सभी जिलों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन सिरसा जिला में गेहूं की सरकारी खरीद 10 अप्रैल से शुरू हुई है, क्योंकि सिरसा जिला में गेहूं की बिजाई और कटाई का कार्य कुछ दिनों के बाद शुरू हुआ था। ऐसे में अब किसान सिरसा की अनाज मंडी में अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंचे हैं, तो साफ तौर पर जहां तक आपकी नज़र दौड़ पा रही है तो साफ तौर पर आपको गेहूं और सरसों की फसल की मंडी में दिखाई देंगी। क्या कहेंगे, गेहूं की आप फसल लेके आए हैं, क्या बिक गई आपकी फसल? हाँ जी, बिक गई जी। सरकारी रेट पे बिकी है? हाँ, सरकारी रेट पे जी। तो मंडी में गेहूं की फसल लेके आए, क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली है, क्या प्रबंध कर रखे हैं सरकार ने आप किसानों के लिए? ठीक कर रखे जी, एक चोरी बहुत हो, रात ने ऐसे नींद को नहीं आनी, बाकी चौकीदार तो राख रखे पर इतनी गौर को नहीं हो रही। चोरी क्या कनक चोरी हो करते हैं? हाँ जी। बात की जाए तो पानी की व्यवस्था आपके लिए ठीक है? पानी जी, शिविर वाला तो गंदा है पानी, बाकी मोल वाला पानी मन तो लागे बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब पानी, बिल्कुल सीवर वाली स्मेल आती है पानी के अंदर। मोल पी रहे हैं पानी, लाके 20 रुपए कैंपर लेते हैं रोज सुबह शाम। तो वजह क्यों है, इतना गंदा पानी क्यों आ रहा है? वो इनको पता है, अभी पीछे से कह रहे हैं अभी लाइन खराब है, हो रही है या कुछ और हो रहा है। टंकी साफ नहीं करते, कभी देखी नहीं टंकी साफ करते हुए, ऊपर से पानी आता, कभी वो साफ नहीं हुई टंकी। नहीं कुछ शिकायत की किसी अफसर को अभी तक? शिकायत तो कोई आया कौन था, करे किससे शिकायत, कोई आया नहीं था। अब क्या करें हम, ना कोई चोरी भी बहुत होती है यहाँ पे, सारा दिन काम करते हैं चोरी करके ले जाते हैं, फिर बंदा आ रहा था क्या, सो भी जाता है बंदा, फिर क्या चोरी करके ले जावे, सारा दिन मरा उमरा काम करते। साफ तौर पर न सिर्फ किसानों को मंडी में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि किसानों के साथ साथ जो मजदूर उनका जो फसल की जो गेहूं की सफाई और दूसरे काम जो करते हैं, तुलाई का काम करते हैं, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और पीने की पानी की ये टंकी है, तो साफ तौर पर हम भी आपको एक डेमो करके दिखा देते हैं कि पानी यहाँ कैसा है। फिलहाल यहाँ पानी नहीं है, दूसरी टूटी में पानी है। पानी थोड़ा दूषित सा लग रहा है। कुछ मजदूरों का आरोप यह भी है कि पानी कहीं ना कहीं सीवर युक्त पानी उनको कहीं ना कहीं पीना पड़ रहा है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 276,000 हेक्टेयर गेहूं की जो है बिजाई की गई है, हालांकि 25% हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, और कृषि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अगले 1 हफ्ते तक पूरी तरह से हार्वेस्टिंग 100% पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों और आढ़तियों का आरोप है कि मंडी में उनके लिए किसी भी प्रकार की प्रशासन और सरकार द्वारा व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। पानीपत की मंडियों की बात करें तो यहाँ पर फसल की खरीद लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर गेहूं की खरीद में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। और इतना ही नहीं, किसानों ने गेहूं की लिफ्टिंग में देरी होने का भी आरोप लगाया है। हालांकि मार्केट कमेटी के सचिव ये कह रहे हैं कि 1,70,000 क्विंटल गेहूं की खरीद तो हो चुकी है, इसमें से 30,000 बैग की लिफ्टिंग भी हो चुकी है, आने वाले कुछ समय में मंडी के सारे गेहूं की खरीद हो जाएगी। सचिव का दावा ये कि टेंडर नहीं होने की वजह से गेहूं के उठान में देरी हो रही है, लेकिन ये महज दावा है, सच्चाई तो ग्राउंड जीरो पर किसान ही झेल रहे हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश की सभी मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। इस समय पानीपत अनाज मंडी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस समय गेहूं की जो खरीद स्टार्ट है, इस बोरियों के अंदर
गेहूं भरी जा रही है और समय के अनुसार इसे लिफ्टिंग भी की जा रही है, लेकिन जहाँ पता चला है कि कुछ लिफ्टिंग में समस्या आ रही है। हमारे पास जो मार्केट कमेटी की सचिव है, उनसे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की कितनी गेहूं की मंडी में आई है, कितनी खरीदी और क्या समस्या है। इस समय कितनी गेहूं आ चुकी है? 1,61,000 क्विंटल खरीदा जा चुका है हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन और हैफेड के द्वारा। लिफ्टिंग सिर्फ हरियाणा वेयरहाउस ने की है 30,000 बैग, तो होपफुली आज शुरू हो जाएगी हैफेड की भी, और 2-3 दिन में मंडी क्लियर होने का उन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी और कोई समस्या किसानों को आने नहीं दी जा रही, पोर्टल से संबंधित या जो भी है उनके साथ के साथ शिकायत केंद्र बनाया हुआ है मंडी के अंदर, और बिजली पानी सफाई व्यवस्था जैसे कि आप देख सकते हैं मंडी में हर तरह के प्रबंध हैं। लिफ्टिंग में थोड़ी समस्या आ रही है, तो क्या कहना है? लिफ्टिंग का टेंडर लेट होने के कारण थोड़ी समस्या आई, लेकिन आज स्मूथली चल जाएगा सारा काम। तो लगभग अब कितनी और गेहूं आने की उम्मीद नजर आ रही है? हमारी 50% आ चुकी है 1,61,000, और इतनी हम और भी उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बार फिर आपको दिखा दूँ, इससे इधर आप इधर देख सकते हैं जिस प्रकार से गेहूं की खरीद, गेहूं की बोरियों में भरा जा रहा है, बारदाने की कमी नहीं है। जिस प्रकार से ये गेहूं लगातार मंडी में पहुंच रही है, और जो बताया जा रहा है कि 50% जिले के अंदर गेहूं आ चुकी है, और आने वाले समय में ये गेहूं और भी आ जाएगी, जिससे ये देखिए हमारे साथ कुछ किसान इनसे बात कर। हाँ जी जी, गेहूं की गेहूं की हटाने नहीं हो रही है, गेहूं की खरीद हो रही है जी? खरीद तो हो रही, खरीद तो हो रही जनाब, उठाई नहीं हो रही। उठाई क्यों नहीं हो रही जी? वो तो सरकार के मुलाजिम बताऊंगे क्यों नहीं हो रही। अच्छा जी, तो फिर क्या कहते हैं मार्केट कमेटी वाले? कोई रहा नहीं मिलता हमने तो, कोई रहा नहीं, 15 दिन के तूले ही यहीं रखे हैं, कोई गेट पास कट रहा नहीं, कोई लोडिंग हो रही नहीं, ना कोई व्हीकल है। ठेकेदार कह के मेरा टेंडर नहीं होया, ये चल रहा बुरा हाल होया है। क्यों, हमारे पास इस वक्त कम से कम 6-7,000 इकट्ठा पड़ा हुआ भरिया। मैं आपको अलग से बताना चाहूँगी, माननीय DC साहब पानीपत द्वारा जो आदेश प्राप्त हुए थे शाम को कि भी हर ट्रैक्टर पे जो रात्रि में आने जाने वाले हैं या किसान जो भी है उनको ये रिफ्लेक्टर लगाया जाना है, जो मार्केट कमेटी प्रोवाइड करवा रही है उनकी सुरक्षा के लिए, कोई दुर्घटना से बचा जा सके। यहाँ गेहूं को बोरियों में भरा जा रहा है, जो किस जो इस समय आप देख सकते हैं, ये इस समय जो है गेहूं को भरा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है लिफ्टिंग की आ रही है। यहाँ पर किसानों की जो गेहूं है वो लिफ्टिंग उठान में समस्या आ रही है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से पूरी मंडी में चारों तरफ, अगर मैं कहूँ कि गेहूं ही गेहूं है, जहाँ देखिए अब चारों तरफ गेहूं है, जो 1,61,000 जो है इस समय मंडी में गेहूं आ चुका है, और आने वाले कुछ समय में गेहूं की जो यहाँ पर देखिए इस समय जो समस्या लिफ्टिंग की समस्या। हाँ जी, और गेहूं की खरीद हो रही है जी? हाँ, खरीदना है। क्या समस्या आ रही है? कुछ समस्या आ रही है जी? कुछ नहीं समस्या नहीं, मगर लिफ्टिंग हो रही है जी। हाँ जी, तो जिस प्रकार से अभी मार्केट कमेटी की सचिव से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1,30,000 जो क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है, और 30,000 बैग की लिफ्टिंग हो चुकी है। हरियाणा वेयरहाउस ने गेहूं खरीद लिए है, जल्दी ही जो लिफ्टिंग की समस्या है टेंडर की वजह से देरी हो रही है, जो उसको जल्द पूरा किया जाएगा। बहरहाल जिस राकेश बयाना, जी मीडिया पानीपत। पानीपत से मेरे सहयोगी राकेश भयाना जुड़ गए हैं मेरे साथ। राकेश, आप ग्राउंड जीरो पर गए थे, आपने जो कुछ देखा, आपने ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट किया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जब मंडी में पहुंचते हैं या JP दलाल जब मंडी में पहुंचते हैं तो उन्हें तो सब हरा हरा दिखाई देता है, फिर जब रिपोर्टर फील्ड पर जाते हैं या किसान जब अपनी फसल लेकर जाते हैं तो उन्हें यह सब्जा क्यों नजर नहीं आता मंडियों में? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार अनाज मंडी में आज मार्केट सचिव से भी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा जो फसल है गेहूं की वो आ रही है और इसको खरीदी भी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है लिफ्टिंग की है। लिफ्टिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है क्योंकि 1,61,000 के आसपास गेहूं क्विंटल जो गेहूं खरीदी जा चुकी है, लेकिन लिफ्टिंग जो है अभी 30,000 बोरी ही जो हुई है। उसकी सबसे बड़ी समस्या जो उन्होंने बताई है, टेंडर नहीं लगे हैं जिसकी वजह से लिफ्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा, ये इसमें मौजूद मंडी में है और यहाँ पर दो ये पीछे है, ये लिफ्टिंग, ये जो यहाँ पर कुछ किसान भी है, यहाँ देखिए लिफ्टिंग हो रही है लेकिन कम हो रही है लिफ्टिंग। वजह वही है कि टेंडर अभी पूरी तरह लगे नहीं है। हमारे साथ एक किसान है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि कुछ समस्या आ रही है, क्या क्या है जी लिफ्टिंग के बारे में, क्या समस्या आ रही है गेहूं? लिफ्टिंग तो जी पिछले साल की बजाय धीमी है,
टेंडर ना होने की वजह से ठेकेदार भी मजबूर है, और आज कुछ गाड़ियां आई हैं ज़्यादा, शायद टेंडर हो चुका है, और लेकिन पूरी तरह से सुचारू रूप से काम हो नहीं पा रहा। गेहूं की खरीद कैसे हो रही है जी? खरीद तो ठीक हो रही है, खरीद में कोई दिक्कत, दोनों एजेंसी ठीक कर रही है। लेकिन जो आसपास बताया जा रहा है कि जैसे ब्लॉक वाइज है मतलोडा, वहां पर खरीद बहुत धीमी हो रही है, उसका कारण क्या होता है? हमें नहीं पता जी, हमें दूसरी मंडी का नहीं पता क्या हो रहा है। देखिए जी, इस तरफ ये अनाज मंडी बता रही है लिफ्टिंग की समस्या है, खरीद सही हो रही है, लेकिन मतलोडा समालका या बपुली की हम बात करें, वहां जो किसानों की समस्या जो बताया जा रहा है कि वहां जो है गेहूं की खरीद कम हो रही है। ठीक है राकेश, ये तो आप बता रहे हैं कि वहां की स्थिति क्या है, अब आप ये बताइए कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, कितने क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है और वो दिन कब होगा जब यहां से सारा गेहूं खरीद लिया जाएगा, क्योंकि जेपी दलाल तो ये कह चुके कि एक एक दाना खरीदेंगे, क्या स्थिति आएगी ऐसी कभी कि एक एक दाना खरीद लिया जाएगा, किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी, क्या कोई तारीख दी है क्या वहां पर, पूछिए ना। लगभग मैं पानीपत जिले में लगभग 3.50 लाख के आस क्विंटल क्यों गेहूं अनाज मंडियों में आता है, जिसमें अभी तक 1,61,000 क्विंटल जो है गेहूं खरीद लिया जा चुका है, हम कहें कि 50%। आने वाले जो बता रहे हैं कि 10-15 दिन के अंदर जो 50% गेहूं बकाया है, लगभग 1,70,000 क्विंटल के आसपास गेहूं मंडियों में पहुंचेगा और खरीद लिया जाएगा, लेकिन खरीदने के बाद अगर उसकी लिफ्टिंग समय से नहीं हुई तो अनाज मंडी में पड़ा रहेगा, वो समस्या कारण बन सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से गर्मी और लू चलने की संभावना है, नुकसान भी हो सकता है। लिफ्टिंग की देरी केवल टेंडर है, और अभी 50%, मुझे नहीं लगता कि कम से कम इसे 20-25 दिन और लगेगा कि पूरी गेहूं अनाज मंडी में पहुंचने में, मतलब ये मानकर चलते हैं कि 15-25 दिन हैं जब ये खरीद चलती रहेगी और हो सकता है किसानों को थोड़ी राहत 20-25 दिनों बाद मिल जाए। अब आते हैं आढ़तियों पर, आढ़तियों की क्या स्थिति है, खुश हैं ना खुश हैं पानीपत में खासतौर पर? आढ़ती की बात करें तो आढ़ती तो जो पानीपत के कभी भी सरकार से खुश नहीं रहे हैं, उन्होंने मुझसे समस्या बताई है कि सरकार गेहूं नहीं खरीद रही है, निजी कंपनियां खरीद रही हैं। बहरहाल किसानों से बातचीत, किसानों स्पष्ट तौर पर कहना है कि गेहूं खरीदी जा रही है, लेकिन आढ़ती की जिस तरह से पेमेंट, जिस तरह का सरकार ने एक नियम बनाया कि पेमेंट डायरेक्ट उनके खाते में जाएगी, उससे आढ़ती आज भी परेशान है, और सरकार को हमेशा से ही कहता है कि गेहूं नहीं खरीदे, कुछ मांगे उन्होंने रखी थी, पीछे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे, लेकिन जहां तक सवाल किसानों का है वो खुश है कि खरीदी जा रही है, लेकिन लिफ्टिंग नहीं हो रही, उसलिए कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। दाम को लेकर क्या कहते हैं किसान? दाम की अगर बात करें तो जिस प्रकार से किसानों से जब बातचीत हुई, तो जो गेहूं की खरीद है वो निजी कंपनी जो 2150 रुपए में ले रही है, सरकार उसमें जो नमी के कारण कम रेट में ले रही है, लेकिन अब नमी में कमी है, दाम से इतना ज्यादा किसानों इशू नहीं है कि वो उन्हें उम्मीद उनको लग रहा है। अच्छा, हैफेड तो 10 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाकर दे रही है। अभी पानीपत में हैफेड की अभी कोई खरीद शुरू नहीं हुई है जी। ठीक है, शुक्रिया फिर इस जानकारी के लिए, आपसे आगे फिर जुड़ेंगे।